नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलके बनाते हैं हैलोजन लाइट। देखिए ऊपर में जो हैलोजन लाइट लगा हुआ है वो ग्लो कर रहा है, सारे ग्लो कर रहे हैं। तो एक ऐसा मिला, दो मुझे एक ऐसा मिला कि जो नहीं जल रहे थे। ठीक है, मैंने ऊपर सप्लाई देके चेक किया, ऊपर सप्लाई भी पहुंच रहा है, लेकिन बॉल नहीं जल रहा था। ये बॉल सिंपल बॉल नहीं है, MH बॉल है। अभी आपको सारे डिटेल में बताएंगे कौन सा बॉल है, क्या नीचे उतार के इसको हम नीचे उतारते हैं, क्योंकि सप्लाई वहाँ पहुँच रहा है और बॉल नहीं जल रहा है। इसका मतलब बॉल में प्रॉब्लम है, सप्लाई में नहीं है, इसलिए मैंने उसे नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। बना नहीं सकते, कम से कम अवगत जरूर हो जाएंगे कि कैसे काम करता है, क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो मैं इसे नीचे लेकर आया हूँ। तो ये रहा ऊपर में लगा हुआ बॉल, इससे आप देख पाएंगे, मैं नीचे कर देता हूँ इसे। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा बॉल है, इसे बॉल हम मैं बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए, इसे बॉल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सप्लाई यहाँ से कनेक्ट डिसकनेक्ट करके लाया हुआ है, ये सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे इंसुलेट किया था। देखिए ये अर्थिंग के लिए है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। अब आइए इसे खोल के देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने खोला दोस्तों इसे। ठीक है, ये खोलने के बाद अब इसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, एक बड़ा सा चोक है, मैं इसे चोक के बारे में बताता हूँ। उसके बाद एक कैपेसिटर है, उसके बाद ये इग्निटर है, मैं इसे खोलता हूँ। ये इग्निटर है, इग्निटर। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कनेक्शन है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, क्या क्या फंक्शन है, सारे इक्विपमेंट का मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये चोक है, ये चोक है कंपनी का, क्रॉम्पटन का। ठीक है, ये चोक किसी भी बॉल हो, हैलोजन लाइट हो, इसके सीरीज में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज में लगता है, सीरीज में लगेगा। इसका मेन काम होता है, ये करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। इसका प्रॉपर्टी है कि जितनी ज़्यादा करंट जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बॉल में, मतलब लोड जो है इसके साथ उसमें कम करंट जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो मेरा बॉल जो है लोड है वो सेफ रहेगा। यहाँ पे देखिए बॉल है, ये सेफ रहेगा। इधर से मैं सीरीज में बोला था ना दोस्तों कि ये भी सीरीज में लगता है। ठीक है, लोड का सीरीज में लगता है। इधर से L लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो क्या है कि ये सीरीज में लगा हुआ है और ये डायरेक्ट लोड में गया। ये लोड मतलब इसका यदि सप्लाई करंट बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके कारण से आउटपुट में करंट है वो कम होगा। यदि सप्लाई का करंट कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और सप्लाई मतलब लोड जो है उसमें करंट कम हो जाएगा, सफिशियंट अमाउंट में फ्लो होगा। ठीक है, अब ये हुआ ब्लास्ट, इसको बोलते हैं चोक ब्लास्ट। ठीक है, या ब्लास्ट, दोनों में से एक बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम यदि समझेंगे तो ये जो बॉल है वो क्रॉम्पटन कंपनी का है, सारे इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारे क्रॉम्पटन कंपनी का है। ठीक है, तो मैं इसे अभी आपको बताता हूँ। ये है 250 वाट का HPSV, इसमें लिखा हुआ है HPSV। ठीक है दोस्तों, इसमें है हाई प्रेशर सोडियम वेपर, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर ऑब्लिक MH लेंथ। अभी मैं आपको बोला था कि इसे मैं बॉल नहीं बोलते हैं, इसे जनरल टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं मेटल हैलाइड लैंप। ये सिंपल बॉल से बिल्कुल अलग होता है, मेटल हैलाइड लैंप होता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं मेटल हैलाइड लैंप। इसका ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है, मेटल हैलाइड लैंप ये है। इसके सीरीज में चोक लगा हुआ है, इस चोक में चार टर्मिनल होते हैं, चार टर्मिनल, एक कॉमन है ये वाला, लास्ट वाला जो है एक कॉमन है, शुरू वाला फेज है। ठीक है दोस्तों, ये जो शुरू में है इसमें ये फेज है, और दो जो है रेड और येलो वो इग्निटर में लगता है। आइए देखते हैं इग्निटर का क्या काम है। अब देखते हैं ये इग्निटर जो है, यहाँ पे इग्निटर ड्राइंग में इग्निटर है, इसमें तीन टर्मिनल होता है। इग्निटर का काम है मोमेंटरली किसी भी मतलब इसका जो लोड के साइड वोल्टेज है ना वो मोमेंटरली बढ़ाएगा, इग्नाइट करेगा। मतलब इसको यूं समझ लीजिए कि इसको कैसे समझाना आप लोग को, हम जहाँ तक समझते हैं इसका काम है इनिशिएट करना, मतलब इग्नाइट करेगा, स्पार्किंग करेगा। स्पार्किंग के कारण वो लोड में जो वेपर गैस वगैरह है वो स्पार्क होगा और वो लाइट जलेगा।
एक मीटर का काम है, मतलब करंट को मोमेंटरली पिक करवाना, हाई पे ले जाना, इसका काम है ये कैपेसिटर के। और ये एक मतलब ये इसके साथ लगता है, क्या कहते हैं इसको, ब्लास्ट के साथ लगता है। इसमें जो भी हम बताए थे रेड और येलो कलर का होता है, रेड और येलो में ये कनेक्ट हो जाता है, रेड और येलो में, और ये कॉमन है न्यूट्रल, इसमें लगता है। इसका चोक जल गया, कोई दूसरा बॉल लगा के देखिए ना, 250 वाट का, 250 वाट का इंस्टेंटली फिर ट्रिप करवा देंगे, ठीक है, कम वाट का नहीं लगाइए। ये कैपेसिटर है 33 माइक्रोफराड का, 250 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, और ये भी क्रोमटोन का है। इसका यहाँ पे काम सिर्फ पावर फैक्टर को मेंटेन करने का है, और ये इग्नाइटर था, इसे मैंने खोल के देखा, इसमें भी सर्किट है। ये जल गया? नहीं नहीं, ये नहीं जला है अभी। इग्निटर चोक के साथ लगा हुआ था, लगा हुआ ही है, और कैपेसिटर जो है वो लोड के साथ पैर लग हुए हैं। अभी मैंने जब चेक किया तो चोक से धुआं निकल गया, और बॉल भी काला हो गया। काला वाला बॉल कहाँ पे, काला वाला बॉल दीजिए। अभी मैं जो बॉल चेक कर रहा था वो भी काला हो गया पूरा, ये अभी पूरा वाइट था, लाइक दिस। अभी मैंने जब इसे चेक किया तो ये पूरा काला हो गया। तो अभी मैंने पाया कि इस चोक में जब टेस्टिंग के दौरान ये पूरा धुआं निकल गया, और दूसरा बॉल को जब मैंने खोला, दूसरा मेटल हैलाइड लैंप, ये पहले से डैमेज है, इसका चोक का प्रॉब्लम है। तो हमने फॉल्ट डिटेक्ट कर लिया कि दोनों बॉल, दोनों मेटल हैलाइड बॉल जो नहीं जल रहा था, उसमें एक में चोक खराब, दूसरा में ऑलरेडी चोक खराब है। चोक मतलब ब्लास्ट खराब है। सिंपल ड्राइंग दिया हुआ है, आप भी देख के समझ सकते हैं। लोड का सीरीज में ब्लास्ट रहेगा, लोड का पैरेलल में इग्निटर रहेगा, लोड का पैरेलल में कैपेसिटर रहेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल कैपेसिटर पैरेलल में है, न्यूट्रल लोड के साथ लगा हुआ, ठीक है। इसका काम यहाँ पे सिर्फ पावर फैक्टर को मेंटेन करना, क्योंकि ये जो चोक है, ब्लास्ट है, ये हाईली इंडक्टिव है, ठीक है। और ये आपको बताए हैं कि करंट को कंट्रोल करता है। तो मैंने दोनों बॉल को खोला और दोनों में पाया कि दोनों का चोक खराब है। अब मैं इसे नया चोक लगा के मार्केट से मंगाना पड़ेगा, जलाएंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर ये बॉल जो जल रहा है लाइट में है, वो दो यहाँ का बॉल जो इस लाइन में नहीं दिख रहे, वो दोनों यही बॉल था, दोनों मेटल हैलाइड बॉल है, मेटल हैलाइड है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ बनाऊँगा तो मैं आप लोगों को साथ लेके बनाऊंगा, ताकि आप लोग भी देखें और कुछ ज्ञान अर्जित करें। एक बार फिर बता देता हूँ, ये मेटल हैलाइड, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन के अंदर में इतने सारे चीज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं सिंपल में आप भी एक बार मेमोराइज कर लीजिए। ब्लास्ट, कैपेसिटर और इग्नाइटर, और कुछ भी नहीं। ब्लास्ट का काम है करंट कंट्रोल करना, कैपेसिटर का काम है पावर फैक्टर कंट्रोल करना, और इग्निटर का काम है इसको इनिशिएट करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इग्निटर को खोल के दिखाया था, और अब थैंक यू, मैं इसे पैकअप करता हूँ, ठीक है दोस्तों, बाय।